हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एडुटेरिया के एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट से टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो अफगानिस्तान के सोरतुघई जो स्थल है वहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी, ये सही है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। हड़प्पाई सावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं, ये सही है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। ऐसा क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि बहुमूल्य वस्तुएं शवों के साथ दफनाने में विश्वास था, तो इसलिए ये गलत है। इसमें से एक और दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें। शंख कहाँ से प्राप्त हुआ है? शंख बालाकोट से। तो 1 का ए हो जाएगा, लाजवर्द मणि, ये अफगानिस्तान के सोरतुघई से प्राप्त हुआ है। तो 2 का डी हो जाएगा यहाँ पे, तांबा खेतड़ी से। 3 का सी और सोना दक्षिण भारत से। 4 का बी हो जाएगा। तो इसमें से 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी और 4 का बी, राइट ऑप्शन ए होगा। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, ये सही है। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। दिलमुन के लेख में 3 जो शब्द का यूज किया गया है, इसमें से दिलमुन ये बहरीन द्वीप था, मगान तथा मेलुहा। मेलुहा जो है पर्शियन गल्फ के आसपास के क्षेत्र के लिए यूज हुआ है, मेलुहा वर्ल्ड। तो ये हड़प्पा नहीं कह सकते हैं इसमें से। तो 2 गलत है, तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, सेलखड़ी से नहीं, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये गलत है। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये गलत है। क्योंकि निचले मानदंड जो थे वो द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव थे, तो ये गलत है। दोनों ही गलत है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, ये सही है। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, ये भी सही है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था, ये भी सही है। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई नहीं, वृद्धि हुई थी, ये गलत है। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? तो S.N. राव ने लिखी थी, राइट ऑप्शन ए होगा। खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करें। S.R. राव ने लोथल की खुदाई शुरू की थी, तो इसमें से 1 का बी हो जाएगा। B.B. लाल ने कालीबंगन की, तो 2 का ए हो जाएगा। और M.R. मुगल ने बहावलपुर की, तो 3 का डी हो जाएगा। और R.S. बिस्ट ने धौलावीरा की तो 4 का सी हो जाएगा। तो इसमें से 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, राइट ऑप्शन ए होगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप, राइट ऑप्शन डी होगा। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे, नहीं, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, ये गलत है। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, ये सही है। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में हैं। पूर्वोत्तर से नहीं, अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया है, तो इसलिए ये गलत है। केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तक्षशिला सम्मिलित था, तोसली भी था, स्वर्णगिरी भी था, लेकिन काशी सम्मिलित नहीं था, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बृहद शिलालेख है, नहीं। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखित है, नहीं।
ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो इसमें से दोनों ही गलत हैं, तो राइट ऑप्शन डी होगा। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है, राइट ऑप्शन ए होगा। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? तो मनुस्मृति का संकलन 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच के कालखंड में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद से संबंधित है? यह ऋग्वेद से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे, ये सही है। जिन बौद्ध भिक्षुणियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया, ये सही है। इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। अलबरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? भाषा का, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता का, तो इसमें से एक और दो, राइट ऑप्शन डी होगा। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है, ये सही है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है, ये भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? मॉन्टेस्क्यू ने, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, ये सही है। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था, ये भी सही है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा, ये भी सही है। 1, 2, 3, राइट ऑप्शन डी होगा। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये गलत है। वे अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। मध्यकाल में मालाबार तट पर उसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाएं, ये सही है। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल नियता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, नहीं, उन्होंने मातृकुल नियता और मातृगृहता को भी अपनाया था, तो ये इसमें से गलत है। केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, ये सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है? तो इसमें से गुरु तेग बहादुर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु रैदास थे, राइट ऑप्शन ए होगा। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने, राइट ऑप्शन बी होगा। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की? नगलपुरम की स्थापना की, राइट ऑप्शन डी होगा। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये सही है। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुदकास्त व पहिकास्त। खुदकास्त और पहिकास्त, ये भी सही है। पहिकास्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँवों से ठेके पर खेती करने आते थे, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, ये सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, ये भी सही है। दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। असम में पायक कौन थे? तो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले लोग थे, राइट ऑप्शन ए होगा। मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, ये सही है। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, ये सही है। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था,
नहीं, फसल के रूप में भी कर अदा कर सकता था। तो ये गलत है, केवल एक और दो सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, ये सही है। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, ये भी सही है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, ये गलत है। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक सीमित थी, यह सही है। तो इसमें से गलत है सी। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, ये सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, नहीं, समाप्त कर दिया गया, तो ये गलत है। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, यह सही है। तो इसमें से एक और तीन सही है, केवल एक और तीन, राइट ऑप्शन सी होगा। जोतदार किन्हें कहा जाता था? धनी किसानों के वर्ग को कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए होगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। संथाल स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, ये सही है। पहाड़ियाँ जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी सही है। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता, यह भी सही है। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, नहीं, ये गलत है। तो इसमें से यही चुनना है, राइट ऑप्शन डी होगा। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामन एकोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? 1832 में, राइट ऑप्शन बी होगा। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, ये सही है। सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया, यह सही है। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे, यह भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? 1878 में पेश की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? गोनू ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है, नहीं, यह कथन है लॉर्ड डलहौजी का, ये गलत है। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था, नहीं, अवध की रियासत के संदर्भ में बोला गया था, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो ना तो एक और नहीं दो, राइट ऑप्शन डी होगा। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई, ये सही है। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, नहीं, ये गलत है। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था, संधि करने का प्रावधान नहीं था, ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? ये कथन कहा गया था अवध के विलय के संदर्भ में, राइट ऑप्शन सी होगा। एकमुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1856 में लागू किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के थे, तो ये गलत है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, ये सही है। तो इसमें से केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। चंपारण का नील आंदोलन, अहमदाबाद मील आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से
जनवरी 1915 में यहाँ पे आए तो उन्होंने जो तीन आंदोलन किया था उसमें पहला था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन था। तो एक दो तीन तो हो ही जाएगा, सबसे बाद में आएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध, तो इसमें से हो जाएगा एक दो, इसमें से आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम के लिए हो जाएगा सबसे पहले चार आएगा, उसके बाद में एक दो तीन आएगा, राइट ऑप्शन ए। महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? लुई फिशर ने लिखी है, राइट ऑप्शन बी होगा। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो वो जज का नाम था सी एन ब्रूमफील्ड, राइट ऑप्शन ए होगा। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के आक्रमण के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था, ये सही है। महात्मा गांधी आगमन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, ये भी सही है, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। असत्य कथन का चयन करना है इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया, लखनऊ में नहीं लाहौर में किया गया था, तो ये गलत है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, ये सही है, तो केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। असत्य कथन का चयन करना है, सॉरी असत्य कथन का चयन करना है तो केवल एक असत्य है इसमें से, तो राइट ऑप्शन ए होगा, बी नहीं। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी, ये सही है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और असत्य कथन का चयन करना है तो न तो एक और न ही दो, राइट ऑप्शन डी होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? 1931 में, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व के शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए, सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर, ये सही है। व्यस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी, सीमित व्यस्क मताधिकार का यूज हुआ था इसमें, तो ये गलत है, इसमें से एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था, तो भारत को युद्ध में शामिल होने के लिए, भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए, तो या तो इसको सही मान सकते हैं या फिर गलत मान सकते हैं, भारत को युद्ध में, भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ये सही है, तो इसमें से या तो दोनों ही सही मान लीजिए या केवल दो को सही मान लीजिए। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? 16 अगस्त 1946 को, राइट ऑप्शन बी होगा। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ये सही है। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? एस एन मुखर्जी, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के मसविदे में विषयों की तीन सूचियाँ बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सही है। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, नहीं केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया, ये गलत है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, ये सही है, तो एक और तीन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा।
संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई, ये सही है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया, ये सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, नहीं, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहते थे, तो इसमें से ये गलत है। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, ये सही है। तो इसमें से केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? 16 जुलाई 1947 को हुई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए, नहीं, ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन के बाद में, तो ये गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, ये सही है। तो केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, ये सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, ये सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और गैर शहरीपन के आधार पर ही करते थे। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे, ये सही है। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जया जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री नहीं थे रूसो, फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री थे, तो इस कारण से ये गलत है। तो इसमें से केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी? 1781 में, राइट ऑप्शन बी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था, ये गलत है। दक्षिणी राज्यों ने नहीं, उत्तरी राज्यों ने। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, ये सही है। तो इसमें से केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। मेटिसों का विद्रोह किस देश में हुआ था? कनाडा में हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ, ये सही है। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी, ये भी सही है। दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? 1850 में मिला था, राइट ऑप्शन ए होगा। ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूक्लियस कहती आई थी, टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या है? तो टेरा न्यूक्लियस का अर्थ है जो किसी की नहीं, राइट ऑप्शन ए होगा। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1839 में हुआ था, राइट ऑप्शन डी होगा। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1920 रूसी क्रांति के कुछ समय बाद में हुई थी, नहीं, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, 1920 में नहीं, ये गलत है। माओ त्से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से अलग रास्ता चुना, ये सही है। तो केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। पीपुल्स
कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। यह सही है। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? तो 1960 की अप्रैल क्रांति जो है ये दक्षिण कोरिया से संबंधित थी। राइट ऑप्शन बी होगा। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। राइट ऑप्शन ए होगा। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है, यह सही है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया गया है, नहीं। सफ़ेद मकराना संगमरमर और रंगीन संगमरमर का उपयोग जड़ाई कार्य के लिए किया गया है, ये गलत है। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, ये सही है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, ये भी सही है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है, 5, तो ये भी सही है। तो इसमें से 1, 3 और 4 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस दो महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएँ हैं? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश हैं, जैसे कि कारखाने, भूमि और बुनियादी ढांचा, परियोजनाएं, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में किसी देश की वित्तीय संपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश है। ये आपस में एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा FDI हो जाएगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के जगह पर FDI होगा, किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश है, जैसे कि कारखाने, भूमि और बुनियादी ढांचा, परियोजनाएं, और यहाँ पे FPI हो जाएगा। तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया, इस कारण से ये गलत है। FPI को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि FDI को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। बिल्कुल, FDI जब आता है तब पूंजी उसके साथ में आते ही हैं, ताकि और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल, ये सब आता है और लंबे समय के लिए रहता है, दीर्घकालिक होता है, इसलिए ये सही है। FPI में FDI की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं, ये सही है। शेयर मार्केट से जब चाहे निवेशक जो है अपने पैसे को निकाल करके, अपने डॉलर को निकाल करके, यानी अपने निवेश को निकाल करके ले जा सकता है, इसलिए ये इसमें अस्थिरता रहती है। तो 2 और 3 दोनों ही सही है, 1 गलत है। तो इसमें से केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड टू एंड का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता, यह सही है, दूसरा कोई मैसेज को पढ़ ना सके। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उपयोग करते हैं, यह सही है। उपयोगकर्ताओं के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति है, नहीं, प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। तो 3 नहीं होगा तो ये बी डी और सी भी ख़त्म, तो ए राइट ऑप्शन ए होगा सही। वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC और विमुक्त घुमंतु जनजातियों DNT के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, ये सही है। केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाते हैं, यह भी सही है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, नहीं, यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इसलिए 3 गलत है। तो 3 गलत है, तो बी गलत, डी गलत और सी गलत, केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन ए होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छत पर लगे सौर पैनलों से, राइट ऑप्शन डी होगा। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ताई तजू इंग ने जीता, राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ओमान के साथ, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसे जननायक के रूप में जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को, राइट ऑप्शन सी होगा।
भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है, यह सही है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह भी सही है। पुरस्कार में 5 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान दिया जाता है, आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है, इसमें से पैसे वगैरह शामिल नहीं होता है, तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही है, केवल 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। जल जीवन मिशन JJM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, ये सही है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना है, नहीं, केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए नहीं है, यह एक विकेंद्रीकृत जल आपूर्ति प्रणाली है जिसमें घरेलू स्तर पर व्यक्तिगत जल नल कनेक्शन भी शामिल होता है, तो इसमें सेकंड गलत हो गया। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सीनर ने जीता, जैनिक सीनर राइट ऑप्शन बी होगा। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है, ये सही है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन सामग्री विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, नहीं। यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग भी देता है, यह भी गलत है। DLI योजना विशेष रूप से सेमीकंडक्टर डिजाइन पर केंद्रित है, न कि निर्माण सॉफ्टवेयर डिजाइन सामग्री विज्ञान अनुसंधान या उपकरण निर्माण पर, तो इसमें से ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा राइट ऑप्शन बी होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? तो वो डेनिस फ्रांसिस, राइट ऑप्शन बी होगा, डेनिस फ्रांसिस। सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है, ये सही है। या चीन नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, नहीं, चीन नेपाल की सीमाओं के लिए नहीं है। BSF जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो जुड़ी हुई सीमा है उसको सुरक्षित करना इसका काम है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है यानी ITBP वो चीन भारत सीमा की सुरक्षा को देखती है, जबकि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB नेपाल और भूटान सीमाओं की देखभाल करती है, तो इसमें से सेकंड गलत है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, यह सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP को, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है, नहीं, रक्त आधान से ही नहीं, अदर जो इसके कॉजेज हो सकते हैं भोजन से, पानी से, मल से या व्यक्ति के संपर्क में आने से, इससे भी फैलता है, केवल रक्ताधान से ही नहीं फैलता है, तो ये गलत है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है, ये सही है। हेविश्योर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, ये सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा।